सीबीडीटी यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने 27 मई 2019 को एक नया नोटिफिकेशन यानी कि ऑफिस ऑर्डर जारी किया है, जिसमें कि बताया गया है कि इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत नए डायरेक्ट टैक्स लॉ को बनाने के लिए सरकार ने कुछ ऑफिसर की एक कमेटी बनाई थी, जिसे के काम दिया गया था कि वो इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस को स्टडी करेगी और इंडिया के लिए नए डायरेक्ट टैक्स लॉ यानी कि इनकम टैक्स एक्ट को बनाएगी। इस टास्क फोर्स को जो काम दिया गया था उसके लिए उसे रिपोर्ट सबमिट करनी थी, लेकिन ये डेट जो है वो पहले एक्सटेंड कर दी गई थी 31 मई 2019 तक। लेकिन अब इस ऑफिस ऑर्डर के द्वारा सरकार ने टास्क फोर्स के लिए 2 महीने और दे दिए हैं। अब टास्क फोर्स को अपनी रिपोर्ट 31 जुलाई 2019 तक सबमिट करनी है। इस प्रकार जैसे ही ये रिपोर्ट सबमिट हो जाएगी तो उसके बाद नए डायरेक्ट टैक्स लॉ के अंतर्गत सरकार काम करना शुरू कर देगी और हो सकता है कि सरकार अगले साल से नए डायरेक्ट टैक्स लॉ यानी कि इनकम टैक्स लॉ को इंडिया में लागू कर दे। इसके बारे में जैसे ही कोई और अपडेट हमारे पास आएगा हम आपको उपलब्ध कराएंगे। रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें ताकि जैसे ही हम कोई नया अपडेट डालें आपके पास इमीडिएटली यह अपडेट पहुंच जाए। आज की इनकम टैक्स की न्यूज़ आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कृपया लाइक करें और शेयर करें। जितना अधिक आप लाइक करते हैं या शेयर करते हैं उतनी ही अधिक हमें प्रेरणा मिलती है कि हम और भी अधिक अच्छी इनकम टैक्स की न्यूज़ आप तक पहुँचा पाएँ। GST, टैक्स और फाइनेंस के रेगुलर अपडेट के लिए आप टैक्स सील की मोबाइल ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है।